अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिविशानी बजाए, आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? ये सब क्या चल रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ईशानी गेट आउट ऑफ माय कार, आई नीड टू लीव। अब बताइए आप दोनों के बीच में क्या है? आप दोनों साथ में क्यों हैं? आपका तो एमएमएस वायरल हुआ था, आप साथ में हैं क्यों? क्या करना चाहते हैं आप बताइए? आप ऐसे कैसे एक साथ जा रहे हैं? शिविशानी आपके बीच में क्या रिश्ता है? वो हो गया था, क्या रिश्ता आप दोनों के बीच में? हो गया था आपके शिविशानी जी, दोनों साथ में क्यों? आप चुप नहीं रह सकते? ओके चक इट, पुट ऑन योर सीट बेल्ट। इधर आ। ना जब अभी कार लेके गए, साफ साफ बता बात क्या है। वो कार जो है ना गैरेज में जाने वाली थी, क्योंकि क्योंकि क्या? अरे उसका ब्रेक फेल है। शिव तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे बदनाम करने के लिए मेरे घर पे भीड़ भेजने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो आज तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लिसन आर यू ओके? कभी कहती हो मैंने तुम्हें प्रपोज किया, कभी कहती हो बदनाम करने के लिए भीड़ भेजी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इलाज करवाओ उसका। इलाज की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। शिव धूप पर भूलने की बीमारी हो गई है तुम्हें। रात को कुछ बोलते हो, सुबह होते ही भूल जाते हो। और तुम्हें बकवास करने की बीमारी हो गई है। अरे बोलने के लिए कुछ भी बोले चली जा रही हो, ब्लैकमेल तुम करती हो और उसके लिए भी मुझे ब्लेम करती हो। देखो शिव, फालतू की बात मत करो। जब तक मैं अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने साबित नहीं करूंगी ना, तब तक ये मैटर खत्म नहीं होगा। अब प्लीज तुम गाड़ी रोको। Shut up! अरे ब्रेक्स नहीं लग रहे, गॉड डैम इट, आई थिंक ब्रेक्स फेल हो गए। शिव ऐसे कैसे ब्रेक्स फेल हो गए? अरे मुझे कैसे बताओगे कि ऐसे कैसे ब्रेक्स फेल हो गए? I'm not a mechanic. शिव को कॉल क्यों नहीं लग रहा है? यश कह रहा था कि वो होटल भी नहीं पहुंचा। आखिर शिव गया कहाँ? वो ईशानी भी उसके साथ थी, उसने फिर से शिव को किसी मुसीबत में डाल दिया होगा। बुआ आप टेंशन मत लीजिए, आप प्लीज आराम से बैठिए यहाँ। वही तो ना बुआ, पानी पी लो तुसे और इस माइंड को रिलैक्स करो थोड़ा। वो शिव साहब कार लेके गए और उसका ब्रेक फेल। What? तुम क्या कर रहे थे? मैं तो मैकेनिक को लेने गया था, काफी देर से उनका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है। शिव एक काम करो, यहाँ से राइट लो। राइट क्यों लेना है? क्योंकि तुम रॉन्ग हो और मैं मरना नहीं चाहती। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। यहाँ राइट में कच्चा रास्ता है इसलिए ट्रैफिक नहीं होगा, तुम जल्दी से राइट मोड़ो। ग्रेट, तुम इसे मरने से बचना बोलती हो। थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर यहाँ से नहीं जाते ना तो सीधा ऊपर पहुँच जाते और फिर तुम्हारी फैमिली फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती पूरी दुनिया को बताने के लिए कि कैसे ईशानी ने शिव का रोड एक्सीडेंट करवा दिया। तुम सीरियसली अभी मुझे ताने मार रही हो? अरे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, हमारी जाने जा सकती है, लेकिन तुम्हारी बकवास खत्म नहीं हो रही है ना। ब्रेक की गाड़ी में तुमने हम दोनों को बिठाया और जान खतरे में डाली है, और मुझे बोलो कि मैं बकवास करती हूँ? तुम खुद गाड़ी में आके बैठी थी। सामने देखो शिव, इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा तुम्हें? बोला था ना मैंने कि इस घर में चोरों और ब्लैकमेल करने वालों का आना मना है, फिर भी ये लड़की हमारे दरवाजे पर खड़ी है, क्यों? आंटी प्लीज, मुझे आपसे और शिव से बात करनी है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ईशानी तुम यहां? चलो अंदर चल के बात करते हैं। यश मां अभी नहीं, प्लीज। यश ओए व्हाट इज हैपनिंग? ईशानी तुम यहां क्या कर रही हो? शिव भाई
ईशानी आपसे कुछ बात करना चाहती है, प्लीज एक बार इसकी बात सुन लो। यश तू जो ये कर रहा है ना। शिव ईशानी बोलो। शिव मैंने पहले भी तुमसे कहा था और आज फिर से तुमसे बोल रही हूँ, वो ब्लैकमेल, वो वीडियो लीक मेरी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूं, क्योंकि इस सब की शुरुआत मेरे ही घर से हुई है। मेरी मामी और मेरी बहन रचना दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, इन सबके पीछे तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ओए होए 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 रब्बा, कहीं ये कुड़ी मेरा नाना ले ले। क्या बस कर अपनी बकवास, आ गई तू फिर से इस घर में एक नया झूठ लेके। वो तेनू की लगता है तू कोई वकील है, किसी कोर्ट विच जज लगी है कि तू जो भी कहेगी और हम सारे यकीन कर लेंगे। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, आज पूरे सबूत के साथ अपनी सच्चाई साबित करने आई। ये सुनिए, ये उसी जर्नलिस्ट की आवाज है जिसके चैनल से वो वीडियो लीक हुई थी। ऊपर की मामी ये MMS लेके मेरे ऑफिस आई थी, उन्होंने ही MMS चैनल पर दिखाने के लिए बोला था, मैं ऑफिस में नहीं थी, इसलिए शायद उन्होंने जैसा मेरी कुलीग को बोला उसने वैसा ही किया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।